येस मॅम कॅन यु स्टार्ट ओके थँक्यू नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टुडंट ब्रुहन मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण मध्ये मी अर्चना झावरे मनिकलाल मेहता एम पी एस मध्ये स्कूलमध्ये कार्यरत आहेत आज आपण काल जो फ्रुट प्रिंट्स हा जो काही लेसन स्टार्ट केला होता हा जो काही पाठ सुरू केला होता आज आपण तो पुढे कंटिन्यू कर सर्व प्रथम फ्रूटप्रिंट ये जो पाठ है उसके हम थोड़ा हमने सबसे पहले परिचय देखा था लेखक का नाम देखा था लेखक का परिचय देखा था और उसके साथ साथ इस से लेखक प्रदीप आउटे इनको क्या कहने का है ये भी हमने देखा था देखो थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम आगे का जो लेसन अपना कंटिन्यू करेंगे प्रदीप आउटे जो है वो बहुत प्रसिद्ध कवि गीतकार कथाकार नाटककार हो चुके हैं है, और उनके बहुत सारे जो उन्होंने नाटक किए है या काव्य संग्रह लिखा है ललित कथा लिखा है गीत लेखन किया है उनको उसको पुरस्कार भी प्राप्त हुए है तो ये जो प्रदीप आउटे जो है डॉक्टर है उन्होंने क्लो, इस जो प्रिंस इस जो पाठ है इसमें से उनको क्या कहने का है ग्लोबल वार्मिंग अभी आप सबको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अपनी जो धरती है या अर्थ है वो क्या हो रहा है उसको बचाना चाहिए मतलब पर्यावरण क्या क्या हो रहा है घ्रास हो रहा है पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग मधे अपन धरनी मातीला वाचवण्यासाठी काय काय केलं पाहिजेत हे या लेखकांनी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी आपण धरती मातेला वाचवण्यासाठी संवर्धन केलं पाहिजे त्याचबरोबर <laughs> जो काही आपल्या वैयक्तिक वा वाहन आहेत मतलब पर्सनल जो हम व्हेकल्स यूज करते हे न यूज करते हुए जो पब्लिक व्हेकल आहे मतलब एक व्यक्ती को जितना ईंधन लगता है उससे अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक व्हीकल है सार्वजनिक जो व्हीकल है सबके लिए अवेलेबल रहता है बस ट्रेन वगैरह वगैरह ऐसे हमने सार्वजनिक पब्लिक व्हीकल हमने क्या करना चाहिए यूज करनी चाहिए और उसके साथ साथ अपनी जो जीवन शैली है उसको भी हमें क्या करना चाहिए बदलनी चाहिए ये संदेश इस पाठ से हमें मिला है देखो पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व विषय केलेले आहेत मतलब पर्यावरण हमें संवर्धन जतन करके रखना चाहिए इसके बारे में या इस पाठ से डॉक्टर प्रदीप औटे उत्व पे विषय किया है और ये जो पाठ है हा जो काही पाठ आहे हा तंत्रज्ञानाची गमत सांगणारी विज्ञान कथावर आधारित आहे डॉक्टर प्रदीप औटे हे विज्ञानावर आधारित त्यांनी हा काय केलेला आहे फ्रुटप्रिंट हा पाठ त्या ठिकाणी अ त्यांचा लेखन आहे तर या ठिकाणी आपण मागच्या पाठाला कालच्या लेक्चरमध्ये काय काय पाहिलं तर या ठिकाणी रेखा रेखा मौशी एक मौशी काय आहे तर कामवाली आहेत या पे रेखा मौशी क्या आहे काम करने वाली एक मतलब जो घर काम करती है वो मावशी और कहा पे काम करती है अभिषेक स्नेहल के घर में वो काम करती है अभी हमने जब कैरेक्टर देखे थे अभिषेक स्नेहल ये दोनों हमने कल कैरेक्टर देखे थे अभिषेक अभिषेक ने क्या किया है रेखा मौसी आने के बाद दरवाजा खुला है और खोलने के बाद रेखा मौसी ने अपना पूरा जो मोर्चा है क्या किया है अपने जो बेसिंग मतलब जो काम है बेसिंग में उसके बर्तन थे वो घिसने के लिए वो गई है बाद में उसने पोछा लगा रही थी तब स्नेहा स्नेहल जो अभिषेक की बहन है वो वहां पे आ गई थी और वो चिल्ला रही थी कि आप पोछा लगा रहे हो और खुद ही अपने पैर के वजह से क्या कर रहे हैं कि फ्लोर जो अपना फर्श है वो गंदा कर रहे है ठीक है उसी समय अभिषेक को लेट हुआ था उठने के लिए लेट क्यों हुआ था कि उसके घर में सुमित सुमित कौन था तो अभिषेक का बुआ का लड़का अभिषेक आत्या मुलगा आत्या मुलगा मतलब कौन? तर आत्या मुलगा मतलब बुआ का लड़का वो था सुमित कानपुर आला होता कानपुर ला तो आई आई टी मध्य शिकत होता मतलब जो सुमित है वो क्या है आई जो कानपुर में है वहां पे पढ़ने वाला पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट है और वहां पे उसने जो अपनी पढ़ाई करते हुए बहुत सारे जो अपने प्रोजेक्ट नए नए प्रोजेक्ट बनाए थे वो प्रोजेक्ट किसको दिखा रहा था अभिषेक को दिखा रहा था और दो, दोनों में बातचीत करते करते उनको सोने में रात के दो बज गए थे और इसी वजह से इसी वजह से क्या हुआ है उन अभिषेक को उठने के लिए देर हो गई थी उसी समय स्नेहल जी थी मैंने आपको पहले ही बताया कि मवशी पोछा मार रही थी और उसकी जो चिल्लाने की आवाज सुनकर मतलब मौसी पोछा मार रही थी और उसके ही पैर से जो पोछा लगा हुआ था जो फर्श है गंदा हो रहा था और इसकी वजह से स्नेहल ने क्या किया है उनको जोर से चिल्लाया है और उनके चिल्लाने की आवाज से वहां पे उनके घर में आया हुआ जो सुमी थे वो उठ गया थे थी। ठीक है नींद से वो बाहर आ गया है वो देख रहा था उसने सब वो देखा उसी समय उनके घर में जो पावड़े काका है वो भी वहां पे आ गए थे और पावड़े काका हमें आप सबको मालूम है कि अपनी भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति मध्य अतिथि देवो भोव अटल जो मग कि आप घरी कोई पहुना आला तो अपन का सर्वत सर्वप्रथम कोई भी अपने घर में मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको पानी वगैरह देते हैं तसच यह स्नेहल ने पावडे काका आल्यानंतर का काय केलेलं आहे त्यांना पाणी दिलेलं आहे त्याच्यानंतर लगेच त्याचे बाबाही त्या ठिकाणी आलेले आहेत मग जो, जो फर जी काही पोछा वाली फरशी पुसणारी जी काही रेखामावशी आहे ती रेखामावशीचं लक्ष कुठे गेलेलं आहे पावडे काकांच्या तळव्याकडे पायाकडे गेलेला आहे आणि त्यांचे पाय जे होते जो पावडे काका आहे का पेर जो था व पे उसका रेखामावशी क्या किया आहे ध्यान गया आहे और उसने देखा कि रेखा मौसी ने देखा है कि पौड़ा पौड़े काका जो है उनके जो पैर है बहुत ही कैसे है मुलायम है अच्छे है साफ सुथरे है और वो खुद ही अपने मन से क्या बोल रही कितने अच्छे है वगैरह वगैरह और मेरे पैर देखो कितने गंदे है वगैरह वैसे खुद को ही अपने मन से वो अपने मन से ही वो बात करने लगी उसी ही समय सुमित वो सब देख रहा था सुमित ने क्या किया है कि सुमित ने अपने जो अभिषेक के पापा है उनको बता रहे हैं कि मामा एक ऐप तैयार के ऐप ची मतर जे अभिषेक चे बाबा है, ते है ते? कि आप आजकल काल जनरेशन है टेक्नो टेक्नोसेवी है मतलब इलेक्ट जो टेक्नोलॉजी है उसपे ज्यादा वो क्या करते हैं यकीन करते हैं वो घुसे रहते हैं उनको वो थोड़ा सा गुस्सा आया कि कुछ भी काम नहीं है क्या किया है कि वो जो कि क्या उसका जो ऐप है उसका नाम क्या बोला है फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स मतलब क्या है कि तुमसा पाय कितनी छान है फ्रूटप्रिंट्स ऐप से उसका पैर कितना अच्छा है इसके बारे में पता चलने वाला था ठीक है तो रेखा मौश सबसे पहले क्या किया है सुमित ने रेखा मौशी आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि रेखा मौशी से सुमित क्या कर रहे हैं पूछ, है। पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि आप कितने कैसे आते हो पैदल आते हो साइकिल पे आते हो कैसे तो रेखा मौशी ने उनको आंसर दिया है कि मैं एक महीने पहले मैं पैदल चल के आती थी लेकिन मेरे लड़के ने मुझे क्या किया है अभी साइकिल लेके दी थी तो साइकिल देने के वजह से अभी मैं क्या कर रही हूँ साइकिल से आ रही हूँ और सुमित ने आगे प्रश्न पूछा है कि साइकिल पे आ रहे थे तो साइकिल साइकल से आ रहे हो तो आपका जो घर है मतलब जहां पे आप रहते हो वहां से यहाँ तक काम करने के लिए आप कितने किलोमीटर आ जाते हो तो रेखा मौसी ने उनको जवाब दिया कि तीन किलोमीटर में सामने कुछ पेड़ लगाए हैं या वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और फिर बाद में रेखा मौसी ने जो सब क्वेश्चन के आंसर दिए थे वो सुमित ने जो प्रिंट्स नाम का ऐप है उसमें सब जानकारी वहां पे डाल दी और उसके बाद उस ऐप का लास्ट का बटन दबाते सबमिट करते हुए ही बाद में क्या हुआ है वो मोबाइल पे एक ब्लू कलर का स्क्वायर वहां पे आया है और उसपे दो स्वच्छ सुंदर ऐसे फ्रूट प्रिंट्स वहां पे दिखाई दिए और उस प्रिंट्स जो फ्रूट प्रिंट्स थे उसके नीचे आया था सिल्वर फ्रूट प्रिंट गुड फॉर फ्रूट प्रिंट्स मतलब ये बहुत ही अच्छे स्वाप सूत्रे जो चंदेरी वर्क रहता है उससे मल जो वहां पे लगाए हुए ऐसे उनके क्या है फ्रूट प्रिंट्स है और वो सब देखने के बाद जो अभिषेक है स्नेहल है या पौड़े काका है या उसके अभिषेक के पापा है वो सब क्या है आच्चर्यचकित हो गए उनको लगा लगाया इतने गंदे पैर है पावड़े काका वहां पे उनको बोलते हैं कि इतने पैर गंदे हैं, फिर भी आप तुम्हारा कुछ भी बोल रहा है कि कुछ भी कर रहा है तो सुमित उनको बोलता है ठीक है पावड़े काका आपकी भी हम आप क्या करेंगे अभी जान उनका जानकारी हम उसमें डालेंगे तब उसका जो सुमित का ध्यान है क्या हुआ है पौड़े काका जो है उनके पैर पे गया कि मुलायम ऐसे पैर उनको दिखाई दी तो सुमित ने उनको बोला कि हाँ पावड़े काका अभी आपकी हम क्या करेंगे जानकारी वहां पे लेंगे ठीक है उस ऐप में डालेंगे पावड़े काका बोले कि ये मेरे पैर इतने अच्छे हैं कि कुछ दिखाने का मतलब वो ऐप में डालने की क्या जरूरत है दिखते तो है पावड़े काका तेरा मनता ऐप मध्य महती टाकू बेक्षा मैं दिता है अपने डोता है कि पाय कितनी स्वच्छ और सुंदर है ठीक आहे पण तरीही एक ऍप आहे बघूया असं म्हणून पावडे काका त्याला म्हणतात की चल ठीक आहे हम देखेंगे तो या ठिकाणी सुमितने काय केलेलं आहे पावडे काकांना त्यांच्या त्या ऍपमध्ये डाटा भरायला सुरुवात त्या ठिकाणी केलेली आहे जो जानकारी वो हो ऍप मे के केली उसने स्टार्ट कर दिया सुमितने पहिला प्रश्न विचारलेला आहे काका आता तुम्ही कुठून आला आहात तो सुमितने प्रश्न पूछा आहे कि काका आप कहाँ से आए हो तो काका काका ने जो काका है उन्होंने आंसर दिया है विश्रांत वाड़ी मतलब विश्रांतवाड़ी से वो वहां तक आ गए थे उसने और प्रश्न पूछा कसे आले होता कसे आले आए मतलब चल के आए हो साइकिल से आए हो जो अपना टू व्हीलर से आए हो फोर व्हीलर से तो पाउडे काका ने उनको आंसर दिया है अर्थात कार ने मतलब वो कार से आए थे जो और 20 किलोमीटर कारण तुम्हें एकटा मतलब कार से आए विश्रांतवाड़ी से तो वो अंतर कितना है 20 किलोमीटर है और वो आप अकेले ही कार से आए हो सुमित ने उनको शंका पूछी काका मनाले हो काका ने लग और हो बोलोन तीन प्रश्न का मतलब पावड़े काका ने हा बोला है और फिर क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे तो अच्छा पन, काका आठवड्यातून तुमचे फिरने किती होते हैं। पावड़े प्रश्न विचार तो फिरता होतं यहाँ पे ये मतलब है कि आप कितने किलोमीटर आ जा करते हो पूरे वीक में सिर्फ एक वीक में हफ्ते में आप कितने बार क्या करते हो ट्रैवलिंग करते हो पावडे काका त्याला उत्तर देतात अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून सोळा किलोमीटर आहेत रोजचे पस्तीस ते चाळीस किलोमीटर तर नक्कीच होतात पस्तीस ते चाळीस किलोमीटर हे नक्की होतात असं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे सुमितला सांगितलेले आहेत कारण त्यांचं घर आणि ऑफिस यामधील घराचं जे अंतर आहे ते सोळा किलोमीटर आहेत आणि हे सगळे कारणे तुम्ही एकट्यानेच करतात आणि हे सगळं जे काही ट्रॅव्हलिंग आहेत पस्तीस चाळीस किलोमीटर आठवड्यातून जे जातात तुम्ही एकटेच कारणी जातात का असंही त्यांनी त्या ठिकाणी काय का सांगितलेलं आहे करता का ठीक आहे तक हमने देखा था और फिर आगे का जो लेसन है वो अभी कंटिन्यू मे करेंगे हो नाही तर काय बसला बस लटकत जाऊ म्हणतोय बसला लटकत जाऊन म्हणतोय काका चिरडून म्हणाले और सुमित ने उनको पूछा कि आप अकेले ही वो जो पस्तीस चालीस किलोमीटर जो अंतर है वो अकेले ही कार से जाते हो तो उसका जवाब देते हुए पावड़े काका क्या हुए गुस्से हो गए और जो गुस्से के स्वर से ही उन्होंने बोला है हाँ नहीं तर मैं क्या बस में धक्के खा के लटक के ही जाऊ आगे देखो काका तुम्हें का ही झाड़े लावले का सुमित उनको पूछ रहा है कि काका अंकल आपने कुछ जो पेड पौधे वो लगाए है क्या हाँ, तो आगे पावडे काका क्या कहते पावडे काकूंनी रोपा करता माती मागवली तर ती आणून देणे होते नाही काकांना ते झाड काय लावणार स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राईव्ह लावला आणि या ठिकाणी स्नेहलने उसका आन्सर वो कि रही है कि जो पावड़े काकू है पावड़े काकू मतलब पावड़े काका की पत्नी वाइफ उसने क्या उन्होंने जब उनको जो अपना जो अपनी कुंडी रहती है गमला रहता है वो लगा गमले में पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो मंगाई है वो ही नहीं उन्होंने दी तो वो झाड़ क्या लगाएंगे ऐसा तुरंत स्नेहल ने क्या किया है उत्तर दे दिया है स्नेहल ने लगे उत्तर दे लेला है की पावडे काकूंनी ज्यावेळेस कुंडीत रोपांसाठी माती मागवली होती तीच काकांनी आणून दिली नाही तर काका झाड का, काय लावणार सुमितने पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ऍप वर भरली पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावले उमटली पावडे काको को प्रश्न पूछ राहता सुमित आगे उनके बहुत ज्यादा जान जो जो कुछ जानकारी थी वो और भी उन्होंने पौड़े काका को पूछ ली सुमित जानकारी पूछ रहा था सब जानकारी वो ऐप में भर रहा था और पूरी जानकारी हो, खत्म होने के बाद सुमित ने क्या किया है ऐप पर जो जानकारी है वो सबमिट कर दिया सबमिट करने के बाद उनके एंड्रॉयड फोन पे जैसे रेखा मौसी का क्या हुआ था इंफॉर्मेशन भरने के बाद जो ब्लू कलर की स्क्रीन आई थी निळा कलरचा तुकडा चमकला होता म्हणजे ब्लू कलर का पे क्या आया था स्क्वेअर वहां पे आया था उसी प्रकार फिर से वहां पे आया है और काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांचे पाऊल उमटले मतलब उनके पैर के निशान उस जो ब्लू कलर का जो स्क्वेअर है तुकडा है वहां पे उनके पावडे काका के क्या हुए हैं फुटप्रिंट जो पैर के निशानी वहां पे आगली आणि पेर जे जो कई दोन पी निशानी होते ते कशे होते दोन काले कुछ पाउ, ब्लू कलर से जो चौकनी टुकड़ा होता स्क्वेर था वहां पे उन पौड़े काके के जो दो पैर के निशानी वहां पे आई थे वो कैसे थे काले कुट्ट काले कुट्ट मतलब क्या है ब्लैक यहाँ पे उसका कलर कैसा था ब्लैक था काला था और अनकी का ही शब्द खाली आले और उसके नीचे कुछ और शब्द भी वहां पे आए थे ठीक है सॉरी यू हैव डर्टी फ्रिंट फ्रूट प्रिंट परफेक्ट ब्लैक फूट प्रिंट्स और उसके नीचे उन्होंने वहां पे लिखा था कि सॉरी ये कैसे है कि फ्रूटप्रिंट्स पूरे डर्टी है गंदे डर्ट है क्योंकि परफेक्ट ब्लैक जो है फ्रूटप्रिंट्स है मतलब ये वाले जो फ्रूट प्रिंट है वो कैसे है गंदे है ब्लैक है ऐसे उसके नीचे जो ऐप में भरने के बाद जो ब्लू आ, जो स्क्वायर था वहां पे जो उनके जो फिंगर फुटप्रिंट्स आए थे पैर के निशानी आई थी उसके नीचे लिखा था कि ये जो पैर है कैसे है गंदे है खराब है और किस प्रकार के हैं परफेक्ट ब्लैक कलर के हैं काले हैं पवड़े काका का चेहरा एकदम पढ़ना और ये देखने के बाद पवड़े काका का जो आ, मु, हे, क्या हो गया उनको थोडासा है उनको थोड़ा थोडासा नर्वसनेस या कुछ तो हुआ है इसके लिए उनका चेहरा क्या कि एकदम अचानक त्या ठिकाणी पडलेला आहे काय नाटक आहे हे आपल्या फ्युचर गोष्टी व्हर्च्युअल गोष्टी का नका सांगू मला पावडे काकाने रागाने म्हणाले हे काय नाटक आहे माझे पाय जर दिसायला एवढे छान दिसत आणि तू तु, तुझा जे काही ऍप आहे ते काय सांगतोय की खराब आहेत ब्लॅक आहेत हे काहीतरी नाटक आहेत मला काही सांगू नको असं रागाने त्या ठिकाणी सुमित रागाणी ते म्हटलेले आहेत सुमितने त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिले आणि ते आणि तो समजवण्याच्या सुरात म्हणाला पावडे काका उसपे क्या हो गए थे गुस्से हो गए थे उनसे नाराज हुए थे और फिर सुमित ने उनके नाराज चेहरे को देखकर उनको समझाने का मतलब ऐसा क्यों हुआ है उसको समझाने के स्वर से उनको वो बोलने लगा उनको कहने लगा ठीक है क्या कहा है देखो सुमित काय म्हणतोय की पावडे काकांची समजूत काढायला की तुम्ही तुमचे हे जे काय आलेले आहेत ते समजून सांगण्याच्या स्वरात तो पावडे काकांना काय सांगतोय ते आपण पाहूया माफ करा काका पण ही पावले व्हर्चुअल नाहीत उलट पक्षी ती अधिक खरखरी खरी खुरी आहेत हे काका का? हे ऍप आप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण कित किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजते थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स पण या ठिकाणी सुमित पावडे काकांना जे काही नाराज झालेले होते ते त्या ठिकाणी त्यांना काय करतात समजवण्याच्या स्वरामध्ये ते म्हणतात की माफ करा काका का? मी ही पावले काय आहेत व्हर्च्युअल नाहीत कारण उलट पक्षी ती कशी आहेत अधिक खरीखुरी आहेत आपल्याला अधिक काय करत असतात खुरीखुरी सांगत असतात जो हे है सही है, वो ही हमें दिखाती है तो वो ऍप के बारे में वो बता रहे की कि किस प्रकार का वो है। तो सांगतो की काकांना का की हा ऍप खरच कसा आहे काका ये जो ऐप है वो कैसे है अपने दैनंदिन जीवन मतलब अपना जो डेली रूटीन है उसमें से कितना कार्बन पर्यावरण जो वातावरण है क्लाइमेट में वहां पे छोड़ते हैं अपन दैनंदिन जीवन मध्य कितनी कार्बन वातावरण छोड़ दो है मोस्ते. मतलब जो कार्बन है कितना हम दैनंदिन जीवन में कितना छोड़ते हैं बाहर वो मोस क्या करता है वो काउंट करता है थोडक्यात उमटणाऱ्या त्या कार्बन प्रिंट रेखाटते बरोबर और हम अपने दैनंदिन जीवन में जो आप दैनिक अपना जीवनशैली है उसमे हम कितना कार्बन जो है उसका प्रिंट हमें क्या होता है वहां पे दिखाई देता है त्या आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत आणि तुम्ही वीस किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता तेव्हा तुम्ही किमान एक किलोमीटर पेट्रोल म्हणजे त्यांच्या दुपटीहून अधिक कार्बन ऑक्साईड ऑक्साइड वातावरणात सोडतात अभि जो ऍप है उसके बारे में सुमित पावडे काका को क्या जानकारी रहा है पावडे काकांना समजून सांगत असताना आपण जे दैनंदिन जीवनामध्ये तो ऍप कसा काम करतो की कार्बन आपण किती वातावरणात सोडतो हे काउंट करत असतो आणि हे काउंट कसं होतं हो की आपण जे दैनंदिन आपली जीवनशैली आहे त्या दैनंदिन शैलीतून आपण कशा प्रकारे आपला वापर करतो तो सांगत आहे त्यामध्ये सुमित त्यांना सांगतो की आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी मतलब हम जो कुछ कर रहे है, वो आपली खुली आखो से नाही दिखाई देत आहे तो आगे वो बता रहे की आता तुम्ही जे वीस किलोमीटर म्हणजे जो पावडे काका जो है की कि वीस किलोमीटर जो अंतर है वो अकेले कैसे करते है कारणे आते है कारण मग तुम्हें किमत एक लीटर पेट्रोल जाता मतलब आप क्या है कि आप कार से आते हो तो एक किलोमीटर एक लीटर जो पेट्रोल है वो क्या करते हो कार के लिए हम आप यूज करते हो यो जलाते हो तो इसी वजह से मतलब अभी आप सबको समझ में आया है कि जो हम जो व्हीकल्स के लिए लगने वाला जो खाना है खाना मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पेट्रोल है डीजल है वो जो यूज करते हैं हम यूज करते हैं ये उसके वजह से ही अपनी क्या करती है जो कार है गाड़िया चलती हैं लेकिन वो चलती हुए जो उनके गाड़ियों से निकलने वाला जो धूल है वो धुआं है उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वातावरण में छोड़ा जाता है मंजे का होता है लेक सुमित काकान समझ तो तुम्हें एक लीटर पेट्रोल जाता है दुपटी हूं अधिक कार्बन वातावरण ऑक्साइड वातावरण आप कार से आ रहे हो और उसके वजह से क्या हो रहा है आप जितना पेट्रोल जलाते हो उससे से ज्यादा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो पर्यावरण में छोड़ते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं, ठीक है बघा कहीं तरी माला नहीं पटत काका का मना सुमित को क्या बोल रहे हैं कि वो जानकारी जो बता रहे हैं वो पावड़े काका को बिल्कुल ही रास्ता तो नहीं आया उनको बिल्कुल ही उनको नहीं हो रहे है ठीक है कहीं तर मला नहीं पटत मतलब मुझे कुछ भी तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा है नहीं मुझे मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं है इससे पावड़े काका उसको कहते हैं ठीक है काका फिर सुमित उनको बताता है कि किस प्रकार उनका है, है। ठीक है काका का? हे एक शास्त्रीय सत्य है तुम्हारा कार्बन जोड़ना प्रमाणा तुम्हारा पावड़े काका को बता रहे कि ये शास्त्रीय मतलब साइंटिफिक सत्य है ट्रू है ट्रू कि आप जितना कार्बन पर्यावरण में छोड़ते हो वातावरण में छोड़ते हो उस प्रमाण जो प्रमाण है उस प्रमाण पे आपका पैर का जो निशानी है वहां पे आपका काला रंग ठरता है ठीक है मतलब जितना आप कार्बन यूज कार्बन जितना आप जो खुद के लिए क्या करते हो व्हीकल यूज करते हो या कुछ करते हो तो वो अकेले के लिए करते हो तो उतना कार्बन आप छोड़ने की वजह से ये क्या करता है कि जो पैर की निशानी है वो कैसे आती है पूरे ब्लैक काला रंग वहां पे दिखाई देता है ठीक है आगे देखो रेखा मौसी रोजा कार्बन उत्सर्जनाला वाच ववच नाही म्हणून तर त्यांनी पावले आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत सुमित बोलत होता और आगे वो पावडे को बता रहा है सबको बता रहा है कि रेखा मावशी आहेत त्या रोजच्या जीवनातून कार्बनच काय करत नाही कार्बन उत्सर्जन करत नाही मतलब कार्बन जो है कार्बन डायऑक्साइड हे वातावरण मे छोड़ते नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि पहले वो पैदल आ रहे थे एक महीने से वो अभी साइकिल के लिए हमें ईंधन की जरूरत रहती है क्या नहीं साइकिल हम क्या करते अपने पैर से चलाते हैं और उसके वजह से कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा नहीं जाता है इसके लिए मतलब उत्सर्जन मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हवा में छोड़ने की वावच नाही वावच नाही मतलब क्या आहे की बिलकुल गुंजायशी नाही आहे की व कार्बन डायऑक्साईड बिलकुल वातावरण मी छोडते नाही आहे और म्हणून तरी त्यांची पावले आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आहेत चंदेरी आहेत हे सुमित आहे। आहे आहे। त्या ठिकाणी सांगत आहेत की रेखा मोष्टींचं दैनंदिन जीवनामध्ये ते त्यांचं जे काही चालणं आहे किंवा त्यांचं सायकलीवरून येणं आहेत त्यांच्या त्या क्रियेतून कोणत्याही प्रकारचा कार्बन उत्सर्जन केला जात नाही कार्बन बाहेर टाकला जात नाही आणि म्हणून त्यांची पावलं जे आहेत त्यांचे पाय जे आहेत ते आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आहे चंदेरी आहेत आणि सुमित हे सगळं काय करत होता सांगत त्या ठिकाणी होता ठीक आहे बाप रे आपण फरची घाण घाण होण्याची गोष्ट करतोय पण आपण तर अवघे वातावरणच घाण प्रदूषित करत असतो किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण तापाने आपली धरती आपल्या पायाला चिटकलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा मी ठरवलंय मी कॉलेजला जाऊन जाताना सायकल वापरणार मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवेत स्नेहल गहरून म्हणाले जो ओ, रेखा मौसी सब सुमित जो बता रहा था तब जो स्नेहल है वो वहां पे कुछ तो बोली है अभी क्या बोली है अरे बाप रे अपन घान गोष्ट कि रेखा मौसी के पैर गंदे हैं और उसके पैर के वजह से क्या हो रहा है जो फर्ची है जो फ्लोरिंग है वो क्या हो रहा है गंदा हो रहा है लेकिन हम अपने क्या कर रहे हैं कि जो अपने पैर के वजह से पूरा पर्यावरण मतलब यहाँ पे उन उसको क्या कहने का है कि हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं अपनी धरती को पर्यावरण को क्या कर ले हानि या वहां पे पहुंचा रहे प्रदूषित हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ उस वजह से हमारे पैर क्या हो गए पूरे पैर को प्रचंड से कार्बन क्या हुआ है चिपका हुआ है यानी पाया पायानी मतलब अपने खुद के पैर की वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर रहे है बढ़ावा दे रहे है जो अपनी धरती है वो धरती क्या हुए अपने जो पैर को चिपके हुए कार्बन से कैसे हम धो सकते हैं अपना पर्यावरण कैसे अच्छे कर सकते हैं इसके बारे में वो सोच रही है और उसके साथ साथ उसने ऐलान भी वहां पे कर दिया है स्नेहल काय करते कि अपन अपने पाय अपन आतापर्यत रेखा मौसी जे पाय घाण है खराब है प्रदूषण पेक्षा ही अपने अपन काय आहोत आपले पाय आपण खूप घाण आहेत हिला त्या ठिकाणी जाणीव झाली आणि आपण किती पद्धतीने वातावरणात काय करतोय प्रदूषण करतोय वातावरण दूषित करतोय ह्याची जाणीव झाली आणि ती आपण कशा प्रकारे आपण ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतोय ग्लोबल वॉर्मिंग करण्यासाठी पण किती थी? त्या ठिकाणी कारणीभूत आहे हे त्या ठिकाणी सांगते त्याचबरोबर आपले पाय जे काही चिटकलेले कार्बन आहेत आपण जे काही केलेले प्रदूषण आहेत ते कमी करायला ती होते मतलब जो हमने कुछ गलत काम किया है कभी भी देखो कुछ भी हमने गलत किया है लेकिन हमें सुधारने का मौका मिलता है जब हमें रियलाइज होता है कि हमारे यहाँ पे गलत हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो गलत काम है वो अच्छे काम के लिए सुधारने के लिए मौका मिलता है तो तुरंत हमें अपना मौका गवाना नहीं चाहिए तो प्रमाण यठिक है स्नेहा ने लगे क्या के आईलाइन कर कि मी कॉलेजला जाताना काय करेल सायकलचाच वापर करेल आता यानंतर मी कधीही जे काही स्वतःच वाहन किंवा वापरणार नाही ना तर मी जाताना काय करेल सायकलचा वापर करेल मी स्कूल कॉलेज मी जाते हुए क्या करूंगी सायकल का यूज करूंगी आणि मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवेत असं काय बोललेले आहे स्नेहल घेऊरून बोललेले आहेत मना मन तिचं काय झालेलं आहे भरून आलेलं आहे तर स्नेहल ने क्या किया है कि ऐलान कर दिया कि मैं भी अपना अभी क्या करूंगी कॉलेज में जाते हुए साइकिल का यूज करूंगी और मेरे भी पैर रेखा मौसी के जैसे कैसे होने चाहिए सिल्वर होनी चाहिए गोल्ड मतलब उसके जैसे पैर अच्छे होने चाहिए देखो यहाँ का ऐसा मतलब है कि सिल्वर मतलब पर्यावरण का दृष्टिकोण से वो वो सोच रही है मतलब आप बोलेंगे कि रेखा मौशी के पैर तो तो गंदे थे फिर क्यों तो उसी प्रकार मतलब वो पर्यावरण का क्या करेंगी ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए वो हाथ बार लगाएंगी ऐसे उसने ऐलान कर दिया ठीक है अभिषेक भारवन कॉलेज समोर बस स्टॉप है आज पास मी बस ने जा करना एकदम त्याच वेळेस अभिषेक सुद्धा काय म्हटलेला आहे त्यांनी ठरवून आहे त्यांनी सुद्धा त्याचं मन सुद्धा भरून आलेलं आहे आणि बता रहे की माझ्या कॉलेजच्या कॉलेजच्या समोरच साहेब बस स्टॉप आहेत आणि मग मी येताना जाताना काय करेल आजपासूनच मी बसचा वापर करेल ये जाण्या ठरला ठरलं खरं आजकाल आपले चालणे सायकल वावरणे विसरून गेलो आपण अगदी कोपऱ्याहून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामा करता वेगळे मॉर्निंग वॉक चे नाटक पे जो किक मारतो आणि नाटक करतो बसने प्रवास करणे तर आपल्याला कमीपणाचे वाटते पण आपल्या पायांना चिटकलेला कार्बन प्रमाणात वाढ ठेवण्यासाठी ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज द मस्ट अभिषेकचे बाबा म्हणाले अभिषेकचे बाबा जे काही आतापर्यंत चाललेले जे संभाषण आहेत त्या संभाषणाला त्यांनी रिॲक्शन त्या ठिकाणी दिले आहे की सुमित जो सांगतोय किंवा स्नेहलने जे ठरवलेलं आहे अभिषेकने ठरवलं आहे अभिषेक के बाबा ही मनता है कि हाँ खर है आज अपन मुलाल साइकिल विसर आजकल के जमाने आज में हमने क्या किया है साइकिल वगैरह सब छोड़ दिया है चलने का भी नाम नहीं लेते हैं और अगली कोने में जो भाजी वाला है सब्जी वाला है उसके यहाँ पे जाने के लिए भी हम क्या करते हैं बाइक को किक मार के वहां पे जाकर सब्जी लेके आते हैं मतलब बिल्कुल ही व्यायाम नहीं करते हैं और जब हम एक्सरसाइज व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं अलग से मॉर्निंग वॉक का नाटक करते हैं मतलब उनका ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए साइकिल चलानी चाहिए लेकिन जब जब भाजे हमें लेने के लिए जाना है तो हमें क्या करना चाहिए वहां पे अपने पैर से जाना चाहिए और ये उनको कहने का मतलब है बस ने प्रवास करने तरह अपने कमीपना और बस जो है क्या है कि अभी जो जिनके पास पैसा है वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों बस से जाऊं मैं तो अपने खुद की कार लेके जाऊंगा इससे उनको कम पन, मतलब हम कैसे बस से यूज करेंगे तो कैसे होगा वो हमारा स्टेटस कम होता है देखो अभी के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मेरा स्टेटस प्रत्येक वे स्टेटस सा विचार तर का विचार कर चलना नहीं तो अपने जे क्या अपन रहो अपने पर्यावरण सुधा विचार के स्टेटस बाजूला प्रवास करता अपने ज्यातून कमीत कमी पोल्युशन कमीत कमी पॉल्युशन होईल असं आपण काय केलं पाहिजे वापर केला पाहिजे मग त्यासाठी आपण सायकल चालणी वगैरे पब्लिक व्हेकल जे आहेत त्याचा वापर केला पाहिजे अजून अभिषेकचे बाबा म्हणतात की पण आपल्या पायाला चिटकलेले जे कार्बन प्रमाणात ठेवण्यासाठी मतलब अभि हा पूरा का पुरा कार्बन तो नाही मिटा सकते लेकिन उसका जो प्रमाण हे वो कम करणे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज द मस्ट मतलब पब्लिक हमें अपने जो कार्बन का प्रमाण है वो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो हम पब्लिक uh, uh, जो व्हीकल uh, है उसका हम यूज कर सकते हैं ऐसे अभिषेक के बाबा सबको कहते हैं ठीक है आगे देखेंगे रेखा मौसी सगड़चे बोलने लक्ष्य देऊन ऐकत होता बोलत्या बोलता फरचीवरचे ठसे पुसून ठेवले। और ये सब क्या कर रहे थे रेखा मौसी भी सुन रही थी वो भी सबके जो कहीं ना वो लक्ष्य देके उनका ध्यान वहां पे थे और वो बोलता बोलता उन्होंने क्या किया है पैर पे जो उनकी निशानी थे वो सब क्या किया है अपने जो कपड़ा है उससे पोच डाला है ठीक है पायलत कितनी सहजपने पुसले अपना मिला ले रेखा मौसी ने सुमित मनाला और रेखा मौसी ने अपने जो पैर जो गंदे थे उसके जो निशान जो थे वो क्या थे फर्श पे थे उसने क्या किया जो कपड़ा है उससे पोच लिया और वो देखा सुमित ने तो उसने कहा, कहा है कि देखो कितनी सहजपने अपल मिलाले ठसे रेखा मौसी ने पुसले पायलत मतलब देखा क्या आपने कि कितने आसानी से रेखा ने आपले पैर के जो है है वो क्या किया पोच डाले है ठीक है पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार त्याकरता आपल्याला झाडे लावावी लागतील सुमितुन बता रहे कि पण आपल्या पाया नहीं मतलब अभी तक हमने जो जितना कार्बन फैलाया है वो इतना आसान नहीं है हमारे जो पैर से जो उसके प्रिंट्स आए हैं वो इतना आसान नहीं है कि हमें पूछना उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम सहजते से वो नहीं पूछ सकते इतक्या सहजपने अपने पाया जे कहीं वातावरण तो उमटले जे ठसे हैं ते अपने पूछता नहीं जर ते पुसाई तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे झाडांची लागवड करावी लागणार आहे झाड लावावी लागणार आहे ठीक है इस हम इतने आसानी से अपने पैर के जो पर्यावरण में उमटे हुए जो फसल है वो इतने आसानी से नहीं कर सकते वो बोला है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए ऐसे उसने कहा है ठीक है या गर्द हिरव्या गर्द झाड़ी अपनी काळीकुट्ट पावले थोडी तरी उजळ होतील आणि सुमित अजून सांगतोय की आपली जी काही काळीकुट्ट पावलं आहेत त्या आपण हिरवगर्द झाडी म्हणजे आपण झाडांची लागवड केल्यामुळं काही प्रमाणात थोडीफार का होईना का काय होतील काळ्याची उजळण्यात म्हणजे जो काला कर थोडासा ब्राईट होणे में क्या हो सकता है हेल्प हो जाएगी। ऐसा वो कह कहर आहे सुमित भरभरून बोलत होता हो ना नाही तर आपणच तर धावत राहू मळालेल्या पायांची माणसे बनून पावडे काका बोलले आणि त्या निळा निळागार तुकड्यावर चांद चांदनी उमललेल्या त्यांचा भास झाला आणि त्या ठिकाणी पावडे काका काय बोललेले आहेत की हो हो ना नाहीतर मतलब जो सुमित बोल रहा है कि हम इतने आसानी से आपने पेर की निशानी क्या कर सकते नाही बदल नाही सकते और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेड़ों की पेड़ पौधे यहाँ पे लगाने चाहिए और ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो कुछ हमारे जो पेड़ है, वो जो पेड़ वो काले हैं वो वो क्या हो सकते हैं थोड़े ब्राइट हो सकते हैं थोड़े से अच्छे हो सकते हैं और ये सब कहते हुए पावड़े काका वहां पे कर बोल रहे हैं कि हाँ ये बोल रहे वो सच है और नहीं तो हम अपने जीवन इतना व्यस्त है कि वैसे ही हम क्या होंगे अपनी जिंदगी में आगे बैठते रहेंगे जो अपने गंदे हुए पैर पैर के वजह से मतलब कैसे क्यों हम हम पर्यावरण का अपने वातावरण का जब हम विचार नहीं करेंगे तो हमारे जो गंदे पैर है वैसे ही आदमी अपना काम करता रहेगा और जब उन्होंने ऐसे बोला है कि पावडे काका म्हणतात की हो ना नाही तर आपण तसेच धावत राहू मतलब आपण असंच काम करत राहिलो तर आपल्या मिळालेल्या पायांची माणसे बनवून आपण काय वावरत राहू आणि मग जे सुमितने सांगितलेलं आहे की आपण त्या ठिकाणी झाडे लावली पाहिजे झाडे लावल्यामुळं काय होईल पर्यावरणाचं संतुलन टिकण्यासाठी किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी त्याला आपल्याला उपयोग होईल असं तो म्हणतो सॉरी असं पावडे काका म्हणतात आणि त्याला पावडे काका काय करतात ते दुजोरा देत आहेत त्या ठिकाणी पावडे काका सहमती दाखवतात आणि त्याच वेळेस पावडे काकांनी बोलल्यानंतर ज्या काही निळासर जो काही तुकडा होता त्यांनी चांदणे चमकल्यासारखं असल्याचं त्यांना त्या ठिकाणी भास झालेला आहे मतलब अभी भी समय नहीं गया है हम जब से हमें समझ में आया है की हम पर्यावरण हमारे, हमारे से पर्यावरण का क्या हो रहा है समतोल कम हो रहा है समतोल नहीं है तो उसी समय हमें पर्यावरण का समतोल रखने के लिए पर्यावरण अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कोशिश वहाँ पे करनी चाहिए और वहाँ पे हम अच्छा सोचेंगे हम अच्छा करेंगे तो हमारे जो पर्यावरण के हिसाब से हम अच्छा करने की वजह से जब बोले पौड़े का का तो उसी समय जो फ्रूट जो अपना फ्रूट आया था वहां पे जो ब्लू जो स्क्वायर था वहां पे क्या हुआ है चांदनी मतलब स्टार वहाँ पे क्या हुआ है दिखाई दी है ठीक है तो इस प्रकार अपना ये लेशन यहाँ पे खत्म हुआ है तो जिस प्रकार यहाँ पे देखो कि हमने पावड़े काका के प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने हमने अभी तो अभी इस लेसन में हमने क्या क्या देखा कि पावडे काकांना त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलेले आहेत विचारल्यानंतर पावडे काका कसे आहेत या ठिकाणी ते सांगता आहेत आणि पावडे काकांच्या विचारलेल्या प्रश्नानंतर त्यांना त्या मध्ये दोन काय झालेले आहेत फ्रूट प्रिंट्स दिसलेली आहेत आणि ती कशी होती काळीकुट्ट होती मग काळी कुट्ट का होती तर त्यांचा जो काही अ येण्यासाठी किंवा त्यांनी कोणतेही दोन झाडही लावले नव्हते कधी त्यांनी अ स्वतः जो काही सार्वजनिक वाहतूक का आहे त्या वाहतुकीचाही वापर केला नव्हता एकटे ते, ते काय का का ता करत का होते कारणे एजा करत होते आणि मग त्यामुळं काय होत होतं की वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड काय करत होतं वातावरणामध्ये सोडलं जात होतं आणि त्यामुळं आपलं वातावरण जे काही पर्यावरण आहे त्यामुळं त्या ठिकाणी काय होत होत प्रदूषित होत होतं त्यामुळं त्यांचे पाय काय झाले होते कितीही दिसायला जरी स्वच्छ असले सुंदर असते पण प्रत्यक्षात ते काय होते काळे कुट्ट त्या ठिकाणी झालेले होते आणि हे त्यांना कळाल्यानंतर त्यांनी सगळ्यांनी सुमित पावडे काका यांना त्यांनी समजून सांगितलेलं आहे कशा प्रकारे आपण वातावरण दूषित करतोय किस प्रकार हम आपण दूषित और फिर व्हा पे सबको ठिकाणी आतापर्यंत जी स्नेहल आहे ती स्नेहल काय करत होती कि जी कई रेखा मौसी मंटली लिया है रेखा मौसी से उसने कहा है कि तुम्हारे पैर गंदे हैं तुम पोछा भी लगा रहे हो और उसके पीछे खुद ही गंदा कर रही है उसको रियलाइज हुआ है कि उसके पैर तो सो, अच्छे हैं गंदे तो नहीं है गंदे तो पैर अपने हैं और फिर उसने ठान लिया है स्नेहल ने ठाना है अभिषेक ने ठाना है कि अभी के बाद मैं पब्लिक व्हीकल का यूज करूंगा अभिषेक ने वो बोला है और स्नेहल साइकिल से कॉलेज पे जाने वाली है। या है? है। है है? आहे या ठिकाणी सगळं सांगितल्यानंतर स्नेहलने काय केलेलं आहे सायकलने कॉलेजला जायला त्या ठिकाणी ठरवलं आहेत आणि त्यानंतर अभिषेकने पण असं ठरवलं आहे की माझ्या कॉलेज समोर काय हे स्टॉप आहे त्या बस स्टॉप वरून मी शाळेमध्ये काय करेल ए जा करेल आणि त्याच वेळेस जे काही त्याचे अभिषेकच्या आणि स्नेहलचे वडील आहेत ते सुद्धा मुलांचे सगळ्या काही ज्या गोष्टी चालू होतात त्यांना दुजोरा दिलेला आहे की हा खरंच आपण काही वेळा बराशा व्या करो कि अगर कोपरिया वो उसके पापा भी कह रहे हम क्या कर रहे हैं कि अभी कहां आना रहेगा तो हम क्या करते हैं बाइक को किक मारते हैं और जाकर अपना काम करके आते हैं लेकिन और अलग सा नाटक क्या करते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकल जाते जब हमें काम रहता है तो हमें क्या कैसे चलना चाहिए पैदल चलना चाहिए और जहाँ पे हमें जरूरत है जहाँ पे पब्लिक व्हीकल है तो वहां पे पर्सनल व्हीकल नहीं यूज करते हुए उस पब्लिक व्हीकल का हमें क्या करना चाहिए उपयोग करना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं ठीक है थीके? तो इस प्रकार हमें ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए हमें क्या कर करना चाहिए ये हमें वहां पे पता चल रहा है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो सब हमें क्या करना चाहिए कम करना चाहिए और यहाँ पे जो हम अभी देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत बड़ी समस्या क्या हो रही है अभी आ रही है तो वो कम करने के लिए हमें अपना क्या करना चाहिए योगदान देना चाहिए भविष्य में आप आगे जाके आपको ज्यादा उसकी परेशानी हो रही है आपको भी मालूम है कि अभी का जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा पर्यावरण क्या हो रहा है Uh, कभी भी बारिश कभी भी धूप कभी भी मतलब जो ऋतु है वो भी अपना समय बदल कर कभी भी कुछ भी हो रहा है ये ये सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसको अपना पर्यावरण समतोल रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आप सब कम से कम एक पेड़ तो लगाना जरूरी ही है आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने जीवन में भला की पेड़ नहीं लगा सकते लेकिन जहाँ पे पेड़ लगा है उसको हम क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं ज्यादा अपन लाइफ है तो झड़ करू सको कमीत कमी काू शको तो, वक्तोिक सग प्रतिज्ञा करे की कमी कमी अपन तोड़ होने पास सग महत्व पटवून देणं गरजेचं आहे ठीक आहे या ठिकाणी आपलं लेसन संपलेलं आहे ठीक आहे सगळ्यांनी जागतिक तापमान वाढ नक्की थांबेल तेव्हा प्रत्येकाच्या हातातून झाड लावू नये मतलब आपणा पर्यावरण हे जो उसका जो टेम्परेचर हे वो कम करने के लिए सबने क्या सब हात में हात मिळा के क्या होगा अपना पर्यावरण अच्छा सुंदर हो जाएगा इसके लिए सबने क्या करना चाहिए एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए थैंक यू इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है हमें इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है पैसेज में से कुछ प्रश्न है पैसेज हमें पढ़ के उसके नीचे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे खालील परिणाम लिहा रेखामाशीच्या कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही ये जो हमें आन्सर लिखना है तो उसका जो जो उन्होंने बॉक्स में दिया है तो उस जो आंसर है तो आंसर जिस आकृति में है वेब जो वेब ड्रायग्रॅम उसमें ही लिखना है के मन से मनसे भी नहीं करना है या ठिकाणी लक्षात ठेवा की ज्या प्रकारे आपल्याला चौकट दिलेली आहे तर चौकट करायची आहे गोल दिलेला आहे तो गोल करायचा आहे तो प्रमाण अपने उत्तर लिखना अपेक्षित है स्वमत स्वमत को आपको लिखना है स्वमत लिखते हुए यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमें स्वमत इस प्रकार पूछा गया है प्रदूषण रोकने सा विद्यार्थी मन तुम्हें काय तुम्हें कर प्रयत्न या विषय मतलब पर्यावरण का जो होने वाला प्रदूषण है वो कम तो करने के लिए आप स्टूडेंट uh, इस जिम्मेदारी से आप क्या प्रयत्न कर रहे मतलब आप क्या कर रहे हैं वो वो आपको लिखना है सबसे पहले लिखते हुए मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस दूंगी कि आप स्टार्टिंग में जो लेसन का नाम है थोड़क बी अः या पाठातील जे कहीं डॉक्टर प्रदीप आउटे पाठ है या पाठातून त्यांना जे काही पर्यावरणाचा होणारी ऱ्हास आहे किंवा पर्यावरणाबद्दल त्यांनी लोक विद्या लोकांना जागृत करण्यासाठी या पाठाचं नियोजन केलेलं आहे मग त्यानंतर तुमचं जे काही मत आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी कंटिन्यू मध्ये करू शकतात सबसे पहिले हम, हम लेखक का नाम पाठ का नाम लिखेंगे तो वो थोडा इम्प्रेसिव्ह होता है और इसके से वो जो पेपर करेक्शन करणे वाले हे भी Uh, समझ मतलब आप कैसे हो ब्रिलियंट स्टूडेंट से ऐसे लगता है और फिर वो आपको आसानी से मार्क्स देते हैं मत तो हमेशा आपको क्या करना है लिखना ही है वो आपका ओपिनियन रहता है उस पे आप आपको क्या करना है वो जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको ही ध्यान में रखने आपको क्या करना है सो मत लिखना है यहाँ पे हंड्रेड परसेंट आपको मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है थैंक यू धन्यवाद Thank you, ma'am. Yes, ma'am.